है एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम मसल बिल्ड करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं ना क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और बहुत सारे लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं इन नौ दिनों में और उसके अलावा भी जो लोग वेजिटेरियंस हैं नॉर्मली जो अंडा या मीट जैसी चीजें नहीं खाते हैं आप लोगों के लिए आज का वीडियो एकदम परफेक्ट है क्योंकि ना सिर्फ मैं आपको थोड़े से आइडियाज बताऊंगी कि किस तरीके से आप वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्नैक्स ले सकते हो लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कवर करूंगी कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज और उसके बाद सर्प कैलरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और एप्स जैसे कि माय फिटनेस पैल इस तरीके के एप्स को यूज करके किस तरीके से आप अपने लिए खुद के लिए एक फुल फ्लेजेड इफेक्टिव वेट गेन फूड प्लान बना सकते हो तो अगर आप भी अपनी वेट गेन जर्नी में हो तो आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने लिए एक सुपर इफेक्टिव वेट गेन फूड प्लान तैयार कर सकें

ये ले सकते हो ऑफकोर्स वो 300 या 500 कैलोरीज आपको सीधा डे 1 से नहीं अपने शरीर को देनी है अम um, लेकिन उसे एक आपको एक अंदाजा मिल सकता है कि ओके okay, अगर मेरी um, हजार कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं तो उसमें आप 300 कैलोरीज और ऐड कर सकते हो तो फिर आप एक एम बना सकते हो कि ओके okay, अब से मुझे 1300 कैलोरीज खाना शुरू करना है क्योंकि मेरा गोल वेट गेन करने का है मसल गेन करने का है तो so डेफिनेटली नीचे दिए हुए लिंक को यूज करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज और सरप्लस कैलोरीज डिसाइड करो ताकि आप अपना स्टेप वन कंप्लीट कर सको फिर आएंगे हम स्टेप टू पे नाउ स्टेप टू है कि यस yes, हमें पता चल गया कि हमारी इतनी सरप्लस कैलोरीज है लेकिन उन सरप्लस कैलोरीज में से कितना प्रोटीन होना चाहिए कितना काब्स होना चाहिए कितना फैट्स होना चाहिए क्योंकि वह ब्रेकडाउन भी सही होना चाहिए अदरवाइज या तो आप बहुत ज्यादा फैट इंक्रीज कर लोगे जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को बेली फैट हो जाता है फेस फैट हो जाता है बैक फैट हो जाता है तो इसीलिए माइक्रो न्यूट्रंस का ब्रेकडाउन भी सही होना चाहिए नाउ बहुत सारे अलग

करना चाहती हूं इसी वजह से मैं इस ऐप को ध्यान में रखते हुए आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन बताऊंगी सो so बेसिकली हमारा जो जेनेरिक गोल है जो कि है वेट गेन करना मसल गेन करना उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए चलें तो इस ऐप पे अपना ब्रेकडाउन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 40 टू 50 परसेंट जो आपकी कैलोरीज हैं वो काब्सोस से आएंगी और 25 से 30 परसेंट प्रोटीस से और 25 -30 से 30 परसेंट फैट से ऑफकोर्स हर दिन सेम नहीं होता कभी ट्वेंटी होंगे किसी दिन थर्टी होंगे किसी दिन फोर्टी परसेंट होगा तो किसी दिन फिफ्टी परसेंट होगा लेकिन हमेशा कैलरीज जो है वो एक रेंज में फॉल करती हैं कोई एक फिक्स नंबर नहीं हो सकता वो रेंज होती है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि फोर्टी से फिफ्टी परसेंट 25 -30 and 25 से से 30% ऑलरेडी कि, um, uh, फैट है कि किसका काब्ज और बढ़ाया जाए या किसका प्रोटीन कम किया जाए किसी का प्रोटीन और ज्यादा बढ़ाया जाए वो फिर वहां पर कस्टमाइजेशन um, आ जाता है लेकिन एक बेसिक ब्रेकडाउन है जहां से आप शुरुआत कर सकते हो एंड एज अ सेड माई फिटनेस पैल जैसी एप्स को आप यूज़ करके अगर वहाँ वो ब्रेक डाउन डालते हो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू हैव टू डू इज कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसकी रॉ क्वांटिटी को आप मेजर करो और फिर उसमें रॉ क्वांटिटी को देखो कि उस रॉ क्वांटिटी से रॉ चावल से या रॉ दाल से या रॉ पनीर से आपको कितनी कैलोरीज प्रोटीन काब्ज और फैट्स मिल रहा है और वो आप उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो उस ऐप में अपना डे टू डे आप ट्रैक रख सकते हो उसको वहां लॉग इन कर सकते हो ताकि आप एक एस्टिमेशन रख सको एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है बिल्कुल प्रोसाइज नंबर्स या वैल्यू नहीं है इन एप्स पे भी लेकिन एक अंदाजा मिल जाता है कि ठीक है अगर आपको पंद्रह सौ कैलरीज हर रोज की लेनी है तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पंद्रह तक पहुंच रहे हो या थोड़ी सी से ज्यादा भी हो गई पंद्रह सौ से कम भी हो गई वो सब चलेगा लेकिन आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि दिन भर में आपने ये ये सब खाया है और आपने करीब करीब अपनी सरप्लस कैलरीज कंज्यूम की है राइट सो so, उन चीजों के लिए आप इस तरीके के एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का माइक्रोन्यूट्रिय ब्रेकडाउन ले सकते हैं एक जेनेरिक वेट गेन फूड प्लान को लिखने के लिए देन ऑफकोर्स स्टेप थ्री आता है कि आपको ब्रेकफेस्ट में क्या लेना है लंच में क्या लेना है वो सारी चीज़ें राइट right? ना क्योंकि हम सिर्फ वेजिटेरियन फूड सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिंस ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो है सो um, so, मैं आपको कुछ एक आइडियाज़ बताऊँगी कि, कि किस तरीके से एक पूरे दिन भर का यू नो वेजिटेरियन फूड प्लान सेट हो सकता है लेकिन एक चीज़ मैं वो बताने से पहले बताना चाहती हूँ यहाँ पर और वो ये कि कोशिश करो स्पेशली इंडियन जो हमारा फूड प्लान है उसमें आपको ईजिली काब्सोर्सेज ऑफ फैट सोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं बहुत काब्स खाते हैं बहुत फैट्स खाते हैं लेकिन प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है जो मिस हो जाती है और अगर आप उसके ऊपर तो right? so, स्नैक्स में, में प्रोटीन का हो ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि जब तक आपका दिन खत्म होगा आप अपनी प्रोटीन की जो इनटेक है डेली रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर पाओगे राइट right? अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है ब्रेकफास्ट में प्रोटीन नहीं खाया लंच में नहीं खाया और डिनर में ही सारा प्रोटीन एक साथ ले लेंगे तो वैसे रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ऑफ ऑफकोर्स यहां पे हम सिर्फ खा के वजन नहीं बढ़ा रहे हैं यहां पे हमें वर्कआउट्स भी करना पड़ेगा ताकि हम मसल बिल्ड करके सही तरीके से वेट गेन कर सके और जो हमारी मसल्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन है उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो रिकवर कर सके अपने आप को रिपेयर कर सकते और नई नई मसल बना सके जिसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है थिकनेस आती है शरीर में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है राइट तो उस मसल ग्रोथ को और उस रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में आपको पूरे दिन भर में प्रोटीन अपनी बॉडी को देते रहना है ताकि मसल्स को इनफ प्रोटीन मिले अपनी रिकवरी करने के लिए राइट सो मेक श्योर करो कि हर मील में हर स्नैक में थोड़ा थोड़ा हो, um, ताकि आप अपनी को वो दे सकें जो उसे चाहिए कि आप किस तरीके से अपना पूरा दिन का वेजिटेरियन फूड प्लान वेजिटेरियन वेट गेन फूड प्लान सेट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से या कॉफी से कर सकते हो उसके बाद बेसिक ब्रेकफास्ट जैसे कि हो गए दो आलू के पराठे और उसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज है एक हाई प्रोटीन योगर्ट लस्सी लेकिन आप लोग बटर मिल्क या अपने दही से बनाई हुई लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से आपको प्रोटीन मिल रहा है उसके बाद course, आपका आ गया प्रोटीन सप्लीमेंट जहां से आपको अच्छे गुड क्वालिटी का उन्नीस से बीस ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है लंच में आप चावल या रोटी के साथ छोले दाल इस तरीके की चीजें ले सकते हैं बहुत सारे सैलड के साथ फिर इवनिंग स्नैक में यहाँ पे मैंने लिया है योगर्ट के साथ थोड़ी सी टोस्टेड मूजली इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर भी की हुई है तो आप वो डेफिनेटली देख सकते हैं और डिनर में हो गई पनीर की सब्जी रोटी के साथ और काफी सारा सैलड प्लेट पे और आई यू गाइज आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो कि आप पहली बात तो अपना वेट गेन फूड प्लान किस तरीके से बना सकते हैं और दूसरा इन नौ दिनों में वेजिटेरियन रह के आप किस तरह से अपनी वेट गेन जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो पॉज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वेजिटेरियन होकर आप वेट um, नहीं गेन कर सकते राइट right? ऐसा कुछ नहीं है सो so प्लीज़ ये एक्सक्यूजेज मत ढूंढो um, जो प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियन प्रोटीन फूड सोसेज एंड वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जो अवेलेबल है उनको खाकर भी आप सही तरीके से वेट गेन कर सकते हैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वेजिटेरियन हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट बहुत अच्छा अच्छे से वेट um, गेन करते हैं स्ट्रेंथ गेन करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है सो मेक श्योर कि आप काम करते रहो और लर्न करते रहो अपने को जितना एजुकेट करोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है उतना ही आप चीजों को अच्छे से इंप्रोवाइज कर पाओगे डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से जितना सीख सको वो आप ही के लिए इन फ्यूचर में अच्छा होगा सो आई होप आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला और आप इस इन सब बातों को ध्यान में रखोगे और अपने लिए एक अच्छा सा वेट गेन फूड प्लान बनाओ

स्टडी करो और देखो अगर खुद से बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माय प्रोग्राम्स एनीवेज गाइस आज के लिए यही था आई होप आपके नवरात्रि अच्छे जाएं और आप वेजिटेरियन वेट केन फूड प्लान डेफिनेटली आराम से फॉलो कर पाएं इसके अलावा मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट स्टे फियर्स बाय गाइज